हेलो, जस्ट अ सेकंड सर, बोलिए। हाँ सर, बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? पंचकुला से दीपक नाम है मेरा। ओके दीपक जी, बोलिए। हाँ मैम मेरे ना कस्टमर रिटर्न बहुत इशू में, कोई सलूशन है इसका? कस्टमर रिटर्न इंक्रीज हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा। ओके, मैं जान सकती हूँ आप कौन से कैटेगरी में डील करते हो? फैशन एक्सेसरीज, सॉरी, फैशन फैशन एक्सेसरीज लाइक एसेसरीज में। वॉलेट ऑफ बेल्ट। सर आपका एक्चुअली बैकग्राउंड वॉइस काफी आ रहा है। नहीं, आप तो नहीं आ रहा मैम। हाँ बोलिए। वॉलेट मैम फैशन एक्सेसरीज वॉलेट बेल्ट सॉक्स। बैग्स में कर रहे हो? ओके, जी तो आपने कॉम्बो में वगैरह लिस्टिंग करके रखा है? हाँ जी मैम, कॉम्बोस में कर रखी है, देखो लेकिन कॉम्बो में, उसमें ऑर्डर नहीं आते मैम उसमें ना, ऑर्डर्स कॉम्बोस नहीं में। आते, बट कॉम्बो में एक ये भी एडवांटेज है वहाँ पे, मतलब सॉरी डिसएडवांटेज है कि आपके रिटर्न परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर एक प्रोडक्ट रख लेता है और दूसरा रिटर्न कर देता है, बराबर सिंगल में मैम? कॉम्बो में। अच्छा कॉम्बो में, ठीक है। आप कब से कर रहे हो वहाँ पे वर्क मीशो के प्लेटफॉर्म पे? 2018 से 2018 से, मतलब पहले तो अच्छे से। देखो आप ओनली एक चीज कर सकते हो, आप थोड़ा सा आपका जो मार्जिन है वो इंक्रीज कर दीजिए, मार्जिन इंक्रीज कर दूँ ना, मार्जिन थोड़ा सा फिर इंक्रीज मैम ऑर्डर्स कीजिए। कम हो जाते हैं, ऑर्डर्स ही नहीं आते, फिर 15-20 ऑर्डर आते हैं। हाँ बट मेरे को कैसा है पाँच कि छह साल हो गए काम करते, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ अभी तक। आपकी जो कैटेगरी है ना वो काफी टॉप है, मतलब जैसे कि फैशन एसेसरीज में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट जैसे कि आपने बताया सॉक्स वगैरह में आप डील करते हो, राइट, और वॉलेट्स हाँ में जी हाँ जी वगैरह। तो सॉक्स में जो है अभी विंटर में आपको अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बट जैसे कि वॉलेट में आपके बताया, तो आपका वॉलेट जो है मतलब काफी अट्रैक्टिव और यूनिक डिजाइन के होने चाहिए अभी। जैसे कि ये कॉमन कैटेगरी है जो आपको रेलवे स्टेशन पे वगैरह या फिर आउटडोर कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है? तो रिटर्न के लिए आप एक काम कीजिए, आप क्या करो, आपका जितना भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर आप पहले तो ओरिजिनल फोटोज ऐड कर दीजिए, ऑप्शनल आता है वहाँ पे एक ऑप्शन, अभी सैम्पलिंग प्रोग्राम का है वो तो मत लीजिए, बट दूसरा जो इमेज आप सेट कर रहे हो वहाँ पे आप एक ओरिजिनल फोटोशूट डालिए प्रोडक्ट का। ठीक आपने है मैम। डिजिटल फोटोशूट किया है या ओरिजिनल है? मैम वही है, फोटोशूट का रखा है व्हाइट बैकग्राउंड वाला जो स्टूडियो में जाके होता है। नहीं, ट्राई कीजिए कि आप ओरिजिनल फोटोशूट करो, क्योंकि डिजिटल फोटोशूट में वॉलेट मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, कस्टमर को नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली रिटर्न बहुत आएगा आपको। और जो रिव्यू ऐड कर रहे हो, कोई इशू नहीं होता है, ये फेक कस्टमर है, 3-4 कस्टमर वही करते हैं रिटर्न बार बार, 2-3 महीने से यही चल रहा है, लेकिन मैं टिकट भी रेस कर रहा हूँ, इनका कोई सलूशन नहीं होता। और मतलब आपका कहना कि एक ही कस्टमर बार बार प्रोडक्ट बाय कर रहा है और उसे रिटर्न कर रहा है, राइट? हाँ जी हाँ जी मैम, 3-4 कस्टमर आए यूपी के, वहीं से कस्टमर रिटर्न ऑर्डर आते हैं, सेम वहीं से आईडी से रिटर्न आ रहा है आता है। आपको, मतलब एक ही सप्लायर आई सॉरी एक ही कस्टमर आईडी है, मतलब एक ही कस्टमर का नेम एक ही एड्रेस ऐसा है? हाँ जी हाँ जी मैम जी, ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो सेम जो रहेगा उनका डिटेल भेज दीजिए, और ऑर्डर आईडी आपको भेजना है। तो अगर हम चेक करेंगे कि एक मंथ में अगर एक ही जो कस्टमर है 15 से 20 ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, और वो उसे रिटर्न भी कर रहा है, तो वो हम हमारे एंड से आपको उनको ब्लॉक ब्लॉक करवा देंगे डायरेक्टली, ठीक है? ठीक बट है अगर अलग अलग आईडी से वो कर रहा है कस्टमर, तो वो केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मैम। ठीक है? मैम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर इंक्रीज करने का कोई फॉर्मूला? फ्लिपकार्ट पे भी यही कैटेगरी सेल करते हो आप? हाँ जी मैम, सेम देखो कैटेगरी। कैटेगरी काफी टफ है आपकी, मैंने पहले ही बताया, आप शॉपसी में ट्राई करो, अगर आपका प्रोडक्ट 150 के बीच में है, मतलब प्राइसिंग है उसका, तो आप शॉपसी में ट्राई कर सकते हो। ठीक है मैम, कोई और कैटेगरी जिसपे ज्यादा ऑर्डर काउंट हो मैं वो ट्राई कर लूंगा अगर है कोई। आप कौन सी सिटी से हो? मैं पंचकूला, चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ से हो, वो साइड तो थोड़ा ठीक है, देखती हूँ मैं, बट आपको देखो नए सेलर तो नहीं हो आप, पुराने सेलर हो, तो एक काम करो, कोई ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट लेके आओ जो आपकी सिटी में मिलते हो, जी। ठीक है, वो टाइप से देखिए, या फिर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के ऊपर अभी एक लेटेस्ट वीडियो आएगा हमारा, तो उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है मैम। मैम एक चलिए, अमेजोन का कुरियर वो पिकअप करने नहीं आता है एड्रेस पे अमेजोन का उसके। हाँ जी, और मैं काफी बार ये मिस पिकअप का फॉर्म भी भर चुका हूँ, बिहेवियर वाला भी, लेकिन कोई सलूशन नहीं होता। अमेजोन के एंड से तो नहीं होता ये इशू? हाँ मेशो वगैरह में तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट अमेजोन की कुरियर नहीं, सर्विस काफी है। अमेजोन में नहीं है मैम, अमेजोन में आते नहीं लड़के पिकअप करने, मना करते हैं कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है उसकी।
तो आपने सप्लायर सपोर्ट पे बात नहीं की है इसकी रिगार्डिंग? जी मैम, वो कह वही बोलते हैं कि सब इजी शिप मेकअप मिस पिकअप फॉर्म भरते रहो और मिस बिहेव का बस, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं 1 महीने से मैं यही कर रहा हूँ, मेरे कम से कम 50-60 ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं अभी तक। उसी के कारण, मतलब पिकअप बॉय नहीं आता इसके कारण। बट आपको पता है, अगर डिलीवरी बॉय टाइम पे नहीं आता है, अमेजोन का कुरियर पार्टनर, तो उनको चार्ज लगता है। मतलब अगर आपने पिकअप शेड्यूल रखा है कि 12 बजे तक आपका पिकअप होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो डिलीवरी बॉय को चार्ज लगेगा। अमेजोन में ऐसा सिस्टम है। नहीं, मेरे को ही लग रहा है मैम, मेरे अकाउंट में माइनस में चला गया, नेगेटिव में बैलेंस उसकी वजह से। ठीक है, आप मुझे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि अमेजोन के थ्रू ऐसा सिस्टम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि होता ये है कि उनके डिलीवरी बॉय को चार्ज लगता ही है, 101% लगता है। बट अगर आप बोल रहे हो आपके केस में हो रहा है, तो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं मैम? आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा आपका ये डिटेल में क्यूरी अमेजोन का। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक थैंक यू है। सो मच। बाकी और कोई कैटेगरी मैम हो तो बता दो, जिसपे ज्यादा ऑर्डर काउंट हो, जैसे होम एंड किचन या कोई और हो। देखो, कैटेगरी सबसे हाईएस्ट अभी चल रही है वो है वुमेन्स इनर वेयर में और मेंस इनर वेयर में। सबसे बहुत अच्छा, ज़्यादा ऑर्डर है, इनर बहुत ज़्यादा है। बट आपको जो वेयर। है, हाँ, बट आपको प्राइस उसका देख के चेक करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे जो प्राइसिंग चालू है, वही प्राइसिंग पे आपको लिस्ट करना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी है नेक्सेट मैम हो कॉस्मेटिक। गया, कैप नेक्सेट, क्या बोले? कैप नहीं होती मैम, विंटर कैप नेक्सेट वाली। हाँ, मैंने ऑलरेडी एक बताया था इसके ऊपर, ये भी चलेगा। बट होता क्या है कि अभी लिस्टिंग करके मतलब नहीं है, आपने ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले लिस्टिंग करना चाहिए था, एक हाँ से जी, दो हाँ जी, हफ्ता या ठीक फिर 1 महीना पहले। है, ठीक ठीक है है, मैम। बट अगर फिर भी आपका प्राइस रेंज अच्छा है, तो आप अभी लिस्टिंग कर सकते हो, आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। ओके, ठीक है मैम, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर इंक्रीज करने का कोई और आइडिया हो तो बता दो। फ्लिपकार्ट का थोड़ा टर्फ है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट मैंने बताया आपको ऑलरेडी, तो आप शॉपसी पे ही फोकस करो। शॉपसी के 150 के नीचे के प्रोडक्ट लेके आइए, आपका रिटर्न परसेंटेज भी कम हो जाएगा। ओके, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, चलिए, थैंक थैंक यू। मैं यू आपको सो व्हाट्सएप मच। कर देता हूँ वो या देख लो, श्योर, अमेजोन थैंक यू। वाली। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत सारे कॉल्स हमें वेटिंग पे थे, सो चलिए देख लेते हैं वो कॉल भी। बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। हेलो जी गुड सर, आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। हाँ, मुझे एक्चुअली मीशो के लिए क्वेरी था। ओके सर, हाँ, बताइए। मीशो मॉल में मुझे रजिस्टर करना है तो कैसे, क्या प्रोसीजर रहता है? मेशो मॉल के लिए आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आपके ओके, पास वो है, तो आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा। वो ईमेल आईडी पे जाके आपको जस्ट आपका ट्रेडमार्क सबमिट करना है विद जीएसटी सर्टिफिकेट और अपना सप्लायर आईडी। उसके साथ ही साथ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, वो आपको प्रोवाइड कर देना है। देन आपको एक फॉर्म मिलेगा सप्लायर सपोर्ट की एंड से। ठीक है, ओके, तो वो फॉर्म आपको उनको फाइल करके देना है, तो आपका जो है मेशो मॉल में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हाँ तो मुझे ये मेरा तो सब फुलफिल है, तो मेल आईडी मिल सकता है क्या मुझे? ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ। बट यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, अगर आपको मॉल में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको ओवरऑल कुछ परसेंटेज मेशो को देना पड़ता है, यस, या आई वो नो आपको इट। पता है। हाँ, उसका कुछ 2% लगता है ना चार्ज? हाँ, 2 है, या फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, किसी पे 7 भी है और कोई इस पे 8% भी चार्ज है। ओके, तो मुझे कहनी होगी मेरी मेल आईडी, ओके सर, मैं बाकी तो आपको सब व्हाट्स, मेरा है, उसमें फुलफिल हो रहा है सब। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सअप करती हूँ। बट मेशो मॉल में भी जो है, वो आपके पहले प्रोडक्ट्स देखेंगे। ठीक है, आप कौन सी कैटेगरी बताइए आपकी? मैं ग्रूमिंग कैटेगरी है। ग्रूमिंग है, तो हो सकता है कि अगर आपके पहले किसी और सप्लायर ने अप्लाई किया है वहाँ पे, तो आपको थोड़ा टाइम वेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज ईमेल किया तो आपको तुरंत आपका पार्टिसिपेशन वहाँ पे हो जाएगा। वो 1 by 1 चांस देते हैं सभी सप्लायर को, इसीलिए। ठीक है, ओके, ठीक आप व्हाट्सएप पे है हाय मैडम। भेज दीजिएगा और आपका डिटेल भेजिए, मैं टीम को बोलती हूँ, वो आपको कनेक्ट करेंगे। ओके, ठीक ठीक है, है मैडम, थैंक यू थैंक यू। सो मच। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, हाँ मैम बोलिए, आपका नाम क्या है? मीशो पे मैंने ओके, आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज देखा था, तो मुझे कुछ फीचर चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आप जी फ्री हो अभी? हाँ मैम बोलिए, कोई इशू नहीं है। हाँ जी मैम, मेरा मीशो के नाम से मीशो पे अकाउंट है, तो मतलब टाइम हो गया, मुझे 1 साल हो गया उस पे करते हुए, तो
भी ये था कि मुझे 3-4 महीने से वो छोड़ने का था कि मुझे छोड़ना है छोड़ना करके। तो भी एक्चुअली इससे हो क्या रहा है कि इतने रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि रिटर्न आते हैं तो आपको पता है 144 चार्ज लग रहा है, 144 और 121। तो रिटर्न आ रहे तो उसका क्लेम भी अप्रूव नहीं हो रहा अच्छे से, और लिस्टिंग तो मेरी मतलब 4-5 महीने से ब्लॉक ही एकदम से, मतलब मैं न्यू प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मुझे बस यही था कि मतलब इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि रिटर्न इतनी ज्यादा कि मतलब पेमेंट सामने से ही लग रहा है, फर्स्ट चीज है, सेकंड क्लेम अप्रूव नहीं हो रहा और थर्ड लिस्टिंग नहीं कर पा रही।